हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल खेतना ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ दिन के लंच से। दिन के लंच में मैंने बनाया है डुबके भात पहाड़ी स्पेशल लंच। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि वो मैंने कैसे बनाया, और ज़रा सा भी आपको वो रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट भी करना और लाइक करना। और फ्रेंड्स, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और ऐसे अगर आप सपोर्ट करते रहोगे तो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। और चलो मैं आपके साथ अब वो रेसिपी शेयर करती हूँ। थैंक यू। सबसे पहले लोहे की कढ़ाई में हम ऑयल डाल देंगे, रिफाइंड या सरसों कुछ भी डाल सकते हो। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा आटा भी डालते हैं जिससे हमारी ये गाढ़ा गाढ़ा होता है भटके डुबके। इसमें मैंने बेसिक मसाले हल्दी धनिया और थोड़ी सी मिर्च डाली हुई थी बस, और कुछ मसाले नहीं पड़ते इसमें एक्स्ट्रा। और ये मैंने इसमें कढ़ाई में गरम तेल में जखे का तड़का लगा दिया है। ये हमारे पहाड़ में होता है जखिया, इसका तड़का लगता है तो ज़्यादा टेस्टी होता है। आप जीरे का भी लगा सकते हो। और इसमें मैंने लहसुन का तड़का लगाया, और लहसुन जैसे ही ब्राउन हो जाए उसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया। प्याज को भी पूरा ब्राउन होने तक हम भूनते रहेंगे। जैसे ही ये ब्राउन होगा हम अपना भटके डुबके जो मैंने मिक्सी में पीस लिए थे, आप सिलबट्टे में भी पीस सकते हो, और मैंने मिक्सी में पीसा हुआ था, इसमें मैंने हरी मिर्च और लहसुन भी साथ में पीस दिए थे जिससे टेस्ट और ज़्यादा बढ़ता है। और ये आटे में मैंने हल्दी धनिया और वो मिर्च डाल दी थी, अब उसको भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। बस इसे घुमाते रहना है जब तक कि हमारे डुबके पूरे पकते नहीं हैं, बस इसे हमें घुमाते ही रहना होता है, नहीं तो ये नीचे से लग जाता है और जिससे फिर ये जल जाते हैं। और इसके बाद मैं इसमें बॉयल पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सलाद के लिए खीरा कट कर रही थी। जब तक हमारी डुबकी मैंने हल्की आंच में पकने के लिए रख दिए हैं, और अब इसमें उबाल आएगा तो इसलिए इसमें डाड़ू को मैं हमेशा ये इसी में डाल के रखती हूँ ताकि बाहर ना निकले, और बीच बीच में से घुमाते रहने पड़ते हैं। मैंने नमक इसमें बाद में डालूँगी ताकि हमारे डुबके फटे ना। अगर पहले हम नमक डाल देते हैं तो ये फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए जब ये आधे पक जाते हैं उसके बाद नमक डालिएगा आप लोग भी। जब ये हम ये नमक डाल देंगे तो इसमें ये झाग बनना भी कम हो जाएगा और धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाएगा। ऑलमोस्ट मेरे ये भटके डुबके पक के रेडी हो चुके हैं। जब तक ये पूरा पकते पकते ग्रीन ना हो जाए कम से कम एक घंटा तो लग ही जाता है, अगर इतना डुबके बनाने हो आपको तो 40 मिनट तो लगते ही लगते हैं इसको पकाने में। और इसमें मैंने ये कटा हुआ धनिया डाल दिया है। फ़ोटो में इतना दिख नहीं रहा है लेकिन ये पूरा ग्रीन हो जाता है पकते पकते। ये देखो भात और चावल, पहाड़ी में भात बोलते हैं, और डुबके हमारे रेडी हैं। आपको कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को अगर चैनल में नए हो तो। इसी तरह मैं अपनी नई नई वीडियोज़ रोज़ लेके आती रहूँगी। बाय फ्रेंड्स।